अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम माहा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक महा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मुकाबला है वो दोनों ही एक ही जैसी कंपनीज के साथ है। ऑनर का होगा ऑनर 9 लाइट और होगा हुआवे का मेट 10 लाइट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, ऑनर ने अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान के अंदर अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है फोन देने के लिए। तो ऑनर 9 लाइट दिया ऑनर की तरफ से 4 कैमरे वाला फोन, हुआवे ने दिया मेट 10 लाइट 4 कैमरे वाला फोन। ऑनर 9 लाइट की कैमरे की बात करेंगे तो फ्रंट पर आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, और मेट 10 लाइट में भी आपको देखने को मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। दोनों का ही अपर्चर 2.0 है। आज की इस वीडियो में काफी टफ मुकाबला होगा दोनों ही फोन्स में। दोनों ही एक ही मदर कंपनी के हैं, हुआवे ही मेट करता था पहले, ऑनर को डील करता था, अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आता है। तो आपको आज के कलर्स की बात करेंगे तो आपको कलर्स जो देखने को मिल रहे हैं मेट 10 लाइट में काफी हद तक वार्म कलर्स मिल रहे हैं। ऑनर 9 लाइट में आपको कलर कूल मिल रहा है लेकिन बैक साइड बहुत ज्यादा ब्लर कर रहा है ऑनर 9 लाइट। मेट 10 लाइट के बैक की बात करेंगे तो बैक में बड़े नेचुरल कलर दे रहा है मेट 10 लाइट। और अब बात करते हैं इनकी दोनों की स्टेबलाइजेशन की। दोनों में ही आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की कोई ऑप्शन नहीं मिलती। थोड़ा सा तेज चल के आपको दिखाएंगे कि आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है। या दोस्तों, लगभग दोनों में ही आपको बराबर स्टेबलाइजेशन मिल रही होगी, और अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी हद तक आपको ऑनर 9 लाइट में कलर ग्रीन प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है लेकिन रियर साइड को काफ़ी हद तक ब्लर कर रहा है। मेट 10 लाइट का अप्रोच बहुत बेहतर है फ्रंट कैमरे में। दोनों ही ये मोड, मैं बता दूं आपको, दोनों के अंदर ब्यूटी मोड, जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो ब्यूटी मोड ऑन हो जाता है, लेकिन मैं ये वीडियो ब्यूटी मोड ऑफ करके 1080p पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपको कलर्स जो नेचुरल मिल रहे होंगे वो मिल रहे होंगे मेट 10 लाइट में। ऑनर 9 लाइट भी इतना बुरा नहीं है लेकिन काफ़ी फोकस लूज कर जाता है जब मैं थोड़ा सा मूव करने लगता हूँ। सो दोस्तों, ये है फ्रंट साइड के कैमरे की वीडियो मेट 10 लाइट और ऑनर 9 लाइट को लेके। अब चलते हैं फ्रंट साइड नाइट मोड में, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी ये कैमरा कंपैरिजन आपको पसंद आते भी हैं कि नहीं। साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे कैमरा कंपैरिजन और रिव्यूज़ और आपको अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलते हैं नाइट मोड में, लाइट्स ऑफ। जी हाँ दोस्तों, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ्रंट कैमरा के मेट 10 लाइट के और ऑनर 9 लाइट के। दोनों में ही आपको देखने को मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। मेट 10 लाइट में आपको कलर्स काफ़ी वार्मर नज़र आ रहे हैं लेकिन अगर आप बात करेंगे ऑनर 9 लाइट की तो ऑनर 9 लाइट में आपको काफ़ी कूल कलर देखने को मिल रहे हैं, ब्राइटनेस बड़ी बेहतर देखने को मिल रही है। अगर रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो कुछ लोगों को मेट 10 लाइट पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद आएगा ऑनर 9 लाइट। मेरे ओपिनियन की बात करेंगे तो मुझे पसंद आने वाला है मेट 10 लाइट। काफ़ी कलर बैलेंस दे रहा है आपको। अब एक फ्लैश लाइट को ऑन करके दिखाएंगे कि आपको मेट 10 लाइट में क्या रेजोल्यूशन मिलता है, क्योंकि ऑनर 9 लाइट में आपको फ्रंट पे फ्लैश लाइट नहीं मिलती। तो इस वीडियो को आगे तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर। और हम बना रहे हैं ऑनर 9 लाइट के 13+2 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से नाइट में। इसमें फ्रंट पे फ्लैश देखने को नहीं मिलता आपको, लेकिन डार्क में जाके या फोन ये आपको क्या कलर देता है ये आपको नज़र आ जाएगा इस वीडियो में। मेट 10 लाइट कादरे बेहतर है इससे नाइट मोड में, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कलर्स काफ़ी हद तक नॉइस नज़र आएगा आपको ऑनर 9 लाइट के फ्रंट कैमरे में डार्क कंडीशंस में। अगर आप थोड़ा सा लाइट कंडीशंस में आते हैं तो आपको बेहतर कलर मिल जाता है। तो आगे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारे डिफरेंशिएट मिल सकते हैं देखने को। सो गाइस, चलते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, मेट 10 लाइट में मिलती है आपको फ्रंट पर एलईडी फ्लैश लाइट मिलती है, सॉफ्ट एलईडी लाइट होती है। अब आपको थोड़ा सा नाइट मोड में अंधेरे में लेके जाएंगे तो आपको फील होगा कि बैक साइड तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा लेकिन चेहरे पे कुछ फोकस कर पाएगा अंधेरे में। खासा अंधेरा नहीं है, मेरे पास एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उसकी लाइट भी मेरे कलर मेरे चेहरे पर अप्रोच कर रही है। लेकिन अगर बात करेंगे मेट 10 लाइट की ऑनर 9 लाइट के साथ कंपैरिजन की, तो मेट 10 लाइट क्लियरली विनर होगा बहुत सारी ऑप्शंस में, कलर्स के हिसाब से और स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से। अब आप देखिए, मेरे पास ये दो स्ट्रीट लाइट्स हैं मेरे हेड पर, तो आपको कलर्स काफ़ी बैलेंस मिल रहे हैं। तो गाइस, चलते हैं आप रियर कैमरा की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नाइट की सेल्फ़ी की, तो ग्रुप सेल्फ़ी में दोनों ही बैलेंस नज़र आए, लेकिन अगर हम बात करें मेट 10 लाइट के कलर्स की तो बहुत बेहतर हैं ऑनर 9 लाइट से नाइट मोड में। अब बात करते हैं सिंगल सेल्फ़ी की, तो इसमें पोर्ट्रेट मोड दोनों ही फ़ोन से ऑन किया गया है फ्रंट साइड पर, लेकिन दोनों में ही नाइट मोड में आपको पोर्ट्रेट देखने को नहीं मिलता। अब रियर साइड के कैमरे की बात करेंगे तो काफ़ी हद तक मेट 10 लाइट में कलर्स आपको वार्म नज़र आ रहे हैं और ऑनर 9 लाइट में कूल, लेकिन दोनों का रेजोल्यूशन अगर देखा जाए कलर्स का तो दोनों ही बेहतर नज़र आते हैं नाइट मोड में रियर कैमरा।
में। अब ये पिक्चर ली गई है पोर्ट्रेट मोड में, तो मिड एंड लाइट ने काफ़ी हद तक बैक साइड ब्लर किया। ऑनर 9 लाइट में इतना ब्लरिंग आपको नज़र नहीं आया बैक साइड, तो मिड एंड लाइट रियर कैमरे में फिट रहा। अब बात करते हैं रियर कैमरा के नाइट मोड की, तो दोनों ही बैलेंस काम कर रहे होते हैं। मिड ऑनर 9 लाइट में काफ़ी कूल कलर नज़र आ रहे हैं और एजेस जो हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मिड एंड लाइट। अब बात करते हैं डे की सेल्फी की, तो सेल्फी में ऑनर 9 लाइट ने कलर काफ़ी कूल दिए, मिड एंड लाइट आपको रेडिश कलर दे रहा है, वार्म कलर दे रहा है। अब बात करते हैं बुके इफेक्ट की सेल्फी की, तो दोनों में ही आपको डे लाइट में बुके बहुत कम देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू रियर कैमरा। फ्रंट कैमरा में दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को प्रॉपर नहीं मिलता। अब ग्रुप सेल्फी की बात करें तो वाइड एंगल आपको नज़र आएगा, मिड एंड लाइट में काफ़ी वाइड एंगल नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू ऑनर 9 लाइट। और कलर्स की बात करेंगे तो कलर्स दोनों में ही आपको बैलेंस नज़र आएंगे फ्रंट कैमरा में। रियर कैमरा की बात करेंगे तो रियर कैमरा में मिड एंड लाइट डे लाइट में ऑनर 9 लाइट को पीछे छोड़ देता है। कलर्स रेजोल्यूशन डायनामिक रेंज की वजह से ऑनर 9 लाइट में काफ़ी हद तक कलर डल नज़र आते हैं। ये एक पिक्चर ली गई है नॉर्मल मोड में रियर कैमरा में, इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि आपको ऑनर 9 लाइट में कलर डल नज़र आ रहे हैं और मिड एंड लाइट में काफ़ी शार्प नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो इसमें मिड एंड लाइट में काफ़ी हद तक नॉइस नज़र आया क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा थे और ऑनर 9 लाइट में एजेस आपको क्लियर नज़र आए। तो अब बात करते हैं रियर साइड के वीडियो रिकॉर्डिंग की। यह दोस्तों हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑनर 9 लाइट से और मिड एंड लाइट से। आप देखेंगे कि आपको ऑनर 9 लाइट में थोड़ा सा फोकस कलर्स बेहतर मिल जाते हैं, मिड एंड लाइट में थोड़े से डार्कर मिल रहे हैं। इन दोनों ही वीडियोज में हमने फ्लैश लाइट ऑन नहीं किया। अब आपको अगला क्लिप जो दिखाएंगे वो फ्लैश लाइट के साथ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि ये फोकस नाइट मोड में कितनी जल्दी दोनों फोन कर पाते हैं। एक ही रोज को हम फोकस करके दिखाएंगे, दोनों ही तकरीबन लगभग एक ही जैसा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर कलर्स की बात करें तो ऑनर 9 लाइट में आपको काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं पास आके एक ऑब्जेक्ट के। अब बात करते हैं फ्लैश लाइट वाली वीडियो की। यहाँ दोस्तों ऑनर 9 लाइट के बैक पर भी हम फ्लैश लाइट ऑन कर चुके हैं और मिड एंड लाइट के भी आप देख रहे होंगे आपको नाइट मोड में दोनों ही फ़ोन कैसा रेजोल्यूशन दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट के पास जाके देखेंगे तो आपको ऑनर 9 लाइट में भी और मिड एंड लाइट में भी तकरीबन कलर बैलेंस निकल नज़र आते हैं, लेकिन ऑनर 9 लाइट में आपको काफ़ी हद तक नॉइस देखने को मिलता है लाइट की वजह से। मिड एंड लाइट बहुत अच्छा आपको कलर अप्रोच दे रहा है। फोकस की बात करेंगे तो फोकस तो नाइट की वजह से लाइट की वजह से कम ही कर पाएंगे दोनों, लेकिन अगर बात करें इन दोनों के कलर रेजोल्यूशन की तो दोनों में तकरीबन आपको सेम ही मिलता है। नाइट मोड में दोनों का कैमरा बैक कैमरा रियर कैमरा दोनों बैलेंस ही नज़र आए। मिड एंड लाइट में मिलता है आपको 16+3 मेगापिक्सल कैमरा और ऑन 9 लाइट में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन। दोनों फ़ोन ऐसे हैं जो 4 कैमरा में आते हैं। मुझे इन कमेंट सेशन बताइएगा कि आपको दोनों में से किसका कैमरा बेहतर लगा किसका नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज़।